अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट लेफ्ट साइड आईब्रो थ्रेडिंग। टुडेज वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। बहुत सारे बिगनर्स ऐसे हैं जिनको लेफ्ट साइड की आईब्रो बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो आज आप लोगों के सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं एंड बहुत कुछ आप लोगों को सीखने के लिए मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग हेड की साइड पर, मींस के ऊपर हेड की साइड पर खड़े रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग टैल्क अप्लाई करेंगे। आपने टैल्क अच्छी तरह से अप्लाई करना है एंड बिल्कुल भी मोशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने आईब्रो को देखना है प्रॉपर कि हमें इसको किस शेप में कन्वर्ट करना है, हमारे दिमाग में ये चीज को फिट कर लेना है, हमें इसको किस तरह का शेप देना है, इनके फेस पर कैसा शेप स्वीट होएगा। नेक्स्ट हम लोग ऊपर की साइड से बिल्कुल सिंगल लाइन में हेयर को रिमूव करेंगे, बिकॉज हमें अपोजिट डायरेक्शन में हेयर को रिमूव करना है। सो बस अच्छी तरह से ऊपर से क्लीनिंग कर लेंगे एंड नेक्स्ट हम लोग फिर से सामने की साइड से आकर देखेंगे कि ठीक है या नहीं, फिर से हम उसको थ्रेडिंग करेंगे। बट एक साथ ज्यादा हेयर को निकाल कर हम आईब्रो को स्टार्टिंग में ही थिन नहीं करेंगे, बिकॉज हम लोग उसको फिर से थिक नहीं कर सकते, थिन कर सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स के हमने स्ट्रेचिंग इतनी प्रॉपर करवानी है कि हमारी जो शेप होता है ना, हमें स्ट्रेचिंग में ही पता चल जाता है। सो देखिए, मैंने इसको बहुत अच्छे से स्ट्रेचिंग करवाया है। अगर आप लोगों का क्लाइंट न्यू है और उसने कभी थ्रेडिंग नहीं करवाई तो उनको ना बहुत अनकंफर्टेबल होगा स्ट्रेचिंग करने में। सो हम घर में कर रहे तो घर में कोई पर्सन, अदर पर्सन होगा या पार्लर में कोई अदर पर्सन होगा तो उनके हाथ से स्ट्रेचिंग करवाएंगे। इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स के स्ट्रेचिंग करना। सो नेक्स्ट हम लोग आईब्रो का जो स्टार्टिंग होता है ना, वहाँ से आईब्रो को थ्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज हम मिडल में नहीं कर सकते। तो जो हमने जब स्टार्टिंग से स्टार्ट किया तो हमें गाइडलाइन मिल जाती है, सो उसी गाइडलाइन को लेकर एंड तक जाना होता है। तो देखिए मैं किस तरह से स्टार्टिंग से स्टार्ट करके एंड तक जा रही हूँ एंड बहुत अच्छे से क्लीनिंग करेंगे, बिकॉज हमारा जो शेप होता है ना वो बिल्कुल प्रॉपर शेप में कन्वर्ट हो जाएगा और बहुत ही प्यारा सा लुक भी आएगा थ्रेडिंग करने के बाद। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी वीडियो आईब्रो थ्रेडिंग से रिलेटेड बनाई हुई है, आप लोग अगर चाहे तो प्लीज़ जाकर उसको चेक कीजिए, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ऐसे हेल्पफुल कंटेंट मेरे चैनल पर आते रहते हैं। आप लोग अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना, बिकॉज आप लोगों का एक लाइक मेरे लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होता है। नेक्स्ट हम लोग ऊपर की साइड से, सामने की साइड से आकर चेक करेंगे, उसके बाद हम लोगों ने जो हेयर की लेंथ है लंबी हुई तो उसको हम लोग कट कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने फिर से चेक करना है सामने की साइड से आकर। अब हमें यहाँ पर छोटी छोटी सी बहुत बारीक बारीक सी हेयर दिख रहे थे तो हम उसको क्लीन करेंगे, नीचे की साइड से भी ऊपर की साइड से भी अच्छी तरह से क्लीनिंग करेंगे प्रॉपर शेप में लाने के लिए। हमें ये सब बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, तभी हमारी आईब्रो का शेप बहुत प्रॉपर आता है, अदरवाइज हर एक चीज को ध्यान से करेंगे। सो आप लोग देख सकते हैं कि आईब्रो का शेप किस तरह का आया है और आप लोगों को कैसा लग रहा है, ये चीज आप लोगों को कमेंट करके बताना है। एंड मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना फ्रेंड्स, ऐसे हेल्पफुल कॉन्टेंट के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज।